हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साक्षत रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सी आसानी से बनने वाली आइसक्रीम, जिसका नाम है बनाना आइसक्रीम। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना आइसक्रीम की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 एकदम पके हुए केले लिए हैं, जिन्हें मैंने ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। ये देखिए, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस किए हैं। और अब इन्हें हम एक कंटेनर में भर लेंगे और ढक्कन लगाकर इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो 1 घंटा हो चुका है और ये देखिए, बनाना के जो स्लाइसेस हैं वो एकदम चिल्ड हो चुके हैं। और अब इसे हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ सा पेस्ट हमने बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, बनाना का एक भी टुकड़ा इसमें नहीं है, एकदम पेस्ट बन चुका है। इसे अभी रख देते हैं हम साइड में। और एक बड़ा जार ले लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप जो मोटी वाली चीनी होती है उसे आप बनाना के साथ ही पीस लीजिए। और अगर आपके पास ये घर में जो दूध के ऊपर की मलाई होती है वो आपके पास है तो आप इसमें डाल सकते हैं। इससे जो टेस्ट होता है वो और भी अच्छा हो जाता है। ये टोटल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए। और ये मैंने 250 ml मिल्क ले लिया है। ये फुल फैट मिल्क है। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के लिए एक बार हम जार में से चला लेंगे। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ सा पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ सा इसका टेक्सचर आया है, ये देखिए। और अब इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। पूरे मिक्सचर को इसमें पोर कर लिया है और अब टैप टैप कर लेंगे ताकि कोई भी एयर बबल्स हो तो निकल जाए। और अब इसे हम फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर देंगे ताकि कोई भी इसमें आइस क्रिस्टल ना बने। और अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसे हम ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में डाल देंगे। तो ये हमने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है और अब देखते हैं हमारी आइसक्रीम कैसी जमी है। आराम से हम फॉइल पेपर भी हटा लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सी जमी है। और अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। और अगर आपके पास चॉकलेट सिरप हो या चॉकलेट हो तो उन सब चीज़ों से आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। मेरे पास ये चॉकलेट हैं जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसके साथ मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। तो देखिए, कितनी बढ़िया हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, चाहे तो बच्चे भी इसे बना सकते हैं। और बनाना आइसक्रीम फ्लेवर में भी बहुत अच्छी लगती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो बच्चे भी बहुत ही आसानी से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारी बनाना आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए
टेक केयर एंड बाय बाय।